और यूक्रेन में फिर होगी वार्ता। तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 थी तीव्रता। यूपी में आज भी जारी रहेगा नए विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मार्च से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक ओर जहां नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में कदम और आगे बढ़ाया है, वहीं युवाओं और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। आपको बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल और रविंद्र जायसवाल को पुराने विभाग ही दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुनाव जाना तय हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को लखनऊ में होगी। महाना विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी संभालने वाले कानपुर के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले वर्ष 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कानपुर के हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रहे महाना ने विधानसभा अध्यक्ष बनने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में खाली हाथ कानपुर की झोली में भी एक अहम पद आ जाएगा। बता दें कि सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से इजाफा किया गया है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 100.21 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़त के बाद 91.47 रुपए प्रति लीटर आ गए हैं। रूस और यूक्रेन का असर कच्चे तेल के दाम पर देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल तक आ जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देश में इसके बढ़ने के साथ ही अब पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने का भी डर अब जनता को सताने लगा है। उत्तर प्रदेश में मार्च महीने का अंत होते होते गर्मी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब 30 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान दक्षिणी यूपी में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। इसमें अगले दिन 2 से 3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में 31 मार्च तक 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और चल सकती है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना खोड़ा इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आपको बता दें कि परचून की दुकान करने वाले गौरव पर बदमाशों ने गोली चलाई, जिसके बाद पीड़ित को तत्काल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इस पूरे मामले पर पीड़ित के परिजनों का कहना है कि पारिवारिक रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया और ससुराल पक्ष ने गौरव पर गोली चलवाई, जबकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है।
मैं तो यही कहूंगी उनको पकड़ो, मेरे बेटे को जैसे मारा उनको भी मारो। आपको क्या लगता है कौन लोग थे जिन्होंने ये गोलियां चला के यहाँ से फरार हो गए? ये वही थे जो मेरी गौरव के ससुराल वाले थे, उन्हीं ने धमकी दी थी, पहले धमकी दिलाई थी, पहले भी रिकॉर्डिंग है, फिर भी पुलिस में गए थे, जब भी कोई सुनवाई ना हो रही, रिपोर्ट भी नहीं बनवाई उन्होंने मेरी। पहले मुझे बहुत मारा, आठ औरतें आई थी, तीन मेरे पीछे थी और सब आ गए थी, झाड़ू से बहुत मारा था मुझे। संजीव भारद्वाज के वहाँ से आए और उन्होंने पहले धमकी दी हमें जो मारने की, जो कि तुम्हें उठवा दूंगा, तुम्हें जो मर्डर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। और लीलाधर के उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ में हमारा वो चल रहा था, उन्होंने जो हमारे साथ में बहुत पहले जो मैडम को मारा और जी धमकी दे के गए कि ना तुम्हें जो क्या नाम सड़ा दूंगा जेल में, और आज जो है क्या नाम है गोली मारी है, जो पांच गोली मारी थी, दो लड़के के लगी हैं। गौरव नामक लड़के को जब वो अपने किराना की दुकान पे था, दो अज्ञात बदमाशों ने आके उसको गोली मार दी है, जिसका इलाज जी टी बी हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों ने पता किया है तो 2016 से ससुराली जनों से इसका विवाद चल रहा है। अभी चार दिन पहले ही ससुराल पक्ष से इन लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें दो दो लोगों को की 151 की कार्रवाई की गई है। आगे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहरीर लेकर के FIR पंजीकृत करके जल्दी ही केस को। खबर फिरोजाबाद की है जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला के ऊपर से पूरी ट्रेन निकल गई और वो महिला सकुशल बच गई। आपको बता दें कि गोमती एक्सप्रेस से उतरते समय एक महिला अचानक उसके नीचे गिर पड़ी। इस बात की जानकारी होते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने खींच चीख पुकार मचा के और मौजूद लोग ईश्वर से उसे बचाने की प्रार्थना करने लगे। महिला साइड में लेटी रही और ट्रेन चलती रही। ट्रेन के निकल जाने के बाद मौजूद लोगों ने उसको रेलवे पटरी से उठाकर खड़ा किया और महिला पूरी तरह सुरक्षित थी। ड्यूटी पर तैनात GRP के पुलिस कर्मियों द्वारा महिला से पूछताछ की तो उसने अपना नाम कुसुमलता बताया और वो कानपुर जा रही थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव कुमार जुड़ गए हैं। संजीव जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, फिरोजाबाद में गोमती एक्सप्रेस से उतरते समय एक महिला जो ट्रेन से नीचे गिर गई थी, वो ट्रेन गुजर लेट गई, साइड में लेट गई और ट्रेन ऊपर से पूरी गुजर गई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जागो राखे साइया मार सके ना कोई, तो वो ट्रेन पूरी गुजर गई लेकिन महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है। संजीव, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से एक महिला ट्रेन से उतरते वक्त पटरी के बगल में गिर पड़ी, वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिला के बगल से ट्रेन जो है वो निकल गई, लेकिन महिला इस पूरे मामले में सकुशल बचाई गई है। जनपद औरैया में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी की सूचना पर रसूलाबाद जनपद से कानपुर देहात की जा रही गाड़ी से पुलिस को भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। इस दौरान पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जबकि पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में गांजा और अवैध चंदन की लकड़ी बरामद हुई। वहीं औरैया पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य और तस्करों के विरुद्ध की गई कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम का उत्साह बढ़ाते हुए अपर पुलिस मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा 50,000 के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा थाना बिला द्वारा दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित हैं इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से, सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये चंदन की लकड़ियाँ और गांजे को लेकर के
कुरियर कंपनी के माध्यम से इसको बुक कराते थे और कुरियर में ये गांजा और ये चंदन की लकड़ी ट्रेन के माध्यम से अन्यथा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रेन चोरी के डर से ट्रेनों को जंजीर से बांधकर उसमें ताला लगा दिया जाता है। आपको बताते चले, पूरा मामला जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन जंक्शन का है। यहां एक पैसेंजर ट्रेन लंबे समय से खड़ी है। ट्रेन चोरी ना हो जाए इसको देखते हुए स्थानीय रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्रेन को जंजीर से बांधकर उसमें ताला लगा दिया है। तो इस दौरान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनों को जंजीर से बांध दिया गया है ताकि वो चोरी ना हो सके। ट्रेन में ताला पड़ने का कारण हमारा सुगावाद क्राइम की एक दिन की दुनिया थी। जिस सुगावाद रेलवे स्टेशन पे 5 बजे 4 बजे दिन में मोबाइल छिन जाते थे, धी बेटी सुरक्षित घर नहीं पहुँचती थी। आज हमारे नए पुलिस प्रशासन द्वारा RPF GRP सर्विलांस सिविल लाइन द्वारा सब द्वारा जनता द्वारा सब सुविधाएं मिली हैं। जनता की बेहद मांग पर सुख शांति रही। ये ताला आज चोरों के लिए पड़ता जरूर है, आज चोर भटक नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रेन में ताला क्यों पड़ा? ताला इसलिए पड़ा, यहाँ क्राइम की दुनिया है। चलते में सरिया चुरा ले, गिट्टी बारू चुरा ले, चप्पल जूता चुरा ले, तो कोई ट्रेन की चोरी हो सकती। तो अभी आपने देखा किस तरह से ट्रेन चोरी का खतरा फिरोजाबाद में इतना बढ़ गया है कि ट्रेनों को जंजीरों से बांधकर उसमें ताला जड़ा जाता है ताकि ट्रेन चोरी ना हो जाए। ये खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां एक पैसेंजर ट्रेन काफी लंबे समय से खड़ी थी, तो वो ट्रेन चोरी ना हो जाए इसके डर की वजह से जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने ट्रेनों पर ताला जड़ दिया है, जंजीरों से बांधकर ताला ट्रेन में जड़ा गया है। वही इस दौरान आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है जिसमें ताला लगा दिया गया है ताकि वो चोरी ना हो जाए। ये खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, आखिर ट्रेन में जंजीर लगाने की जरूरत रेलवे प्रशासन को क्यों पड़ रही है? देखिए, ये सुखावाद स्टेशन का एक विचित्र मामला सामने आया है, जिसमें रेल प्रशासन ने एक पैसेंजर ट्रेन को जंजीरों से जकड़ के रखा हुआ है। और तब ये रेल प्रशासन से जब इस मामले में बात करी गई तो उनका ये कहना है कि यहाँ से ट्रेन चोरी हो जाती है। जी, अभी ये समझने वाली बात है कि ट्रेन कैसे चोरी हो सकती है। संजीव जी, अगर रेलवे प्रशासन ये जानता है कि ट्रेन चोरी हो रही है तो आखिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी आज तक भारत में कभी कोई घटना सामने नहीं आई है कि ट्रेन चोरी हो जाए। जी बिल्कुल, ये रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। लगातार ऐसा देखा जाए कि जो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो फिर छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सब पे CCTV कैमरा लगे रहते हैं, तो आखिर इस रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरा मौजूद है या नहीं? नहीं, रेलवे स्टेशन पे सारी सुविधाएं मौजूद है। एक बड़ा जंक्शन है सुखावाद, सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद है। CCTV कैमरा और GRP का थाना भी है वहाँ पे, RPF भी लगातार गश्त करती है, सारी चीजें वहाँ मौजूद है। संजीव जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक शर्मसार करती हुई तस्वीर सामने आ रही है कि रेलवे प्रशासन को ट्रेनों में जंजीर लगानी पड़ रही है ताकि ट्रेन चोरी ना हो जाए। देखिये, ये एक बड़ी लापरवाही रेलवे की है। जी। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो तस्वीरें जनता के बीच में जाती हैं, ये हमेशा रेलवे से विश्वास उठाने का काम करती है रेलवे प्रशासन। बिल्कुल, धन्यवाद संजीव कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पे पुलिस प्रशासन को चोरों का इतना खौफ हो गया है कि उन्हें रेलवे के डब्बों में अब जंजीर बांधनी पड़ रही है ताकि वो चोरी ना हो जाए। STF और टांडा कोतवाली पुलिस टीम ने सोमवार को अवैध असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी के पास से 9 पिस्टल और 18 मैगजीन बरामद करने का दावा किया है। SP आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। देवरिया जनपद निवासी आरोपी ने पूछताछ में अवैध हथियारों की तस्करी की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश से 18,000 से 19,000 रुपए में पिस्टल खरीदता है। इसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्हें करीब 25,000 से 30,000 रुपयों में अलग अलग जनपदों में बेच देता था। आपको बता दें कि तस्कर नईम उल्ला उर्फ सुड्डू निवासी पश्चिम वार्ड मोहल्ला कस्बा थाना
लार जनपद देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। टांडा पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने 9 कंट्री मेड पिस्टल्स 32 बोर की और 14 मैगजीन्स बरामद की हैं, और जिस व्यक्ति से बरामद किया गया है उसे पूछताछ करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके बारे में अभी पुलिस अपना अग्रिम कार्रवाई कर रही है। ये पिस्टल्स स्टेट के बाहर से लाई जाती थी और वहाँ से 18-19 हज़ार रुपये में खरीद के यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट 25 से 30 हज़ार रुपये के रेंज में ये पिस्टल्स बेची जाती थी। पकड़े गए अभियुक्त ने कुछ इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी नाम बताया है जो इन पिस्टल्स को मंगवाते थे और बेचते थे। पर्पस क्या था और बाकी कहाँ तो बाकी की पिस्टल्स बेची गई हैं। IPL 2022 में सोमवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का आईपीएल में पहला मैच था जो ऐतिहासिक साबित हुआ। गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर में जाकर दी जीत दर्ज की और लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी है। आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों का ये पहला मैच था जिसमें गुजरात की जीत हुई और लखनऊ की हार हुई है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।